प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ विक्रम सिंह। अज दी रिपोर्ट बेहद खास है। अज असी तस्वीर तुहानू दिखाउण जा रहे हैं, पंजाब दी ओ असल सच्चाई दसण जा रहे हैं कि पंजाब कंगाल क्यों हुंदा जा रहा है। तुहाडे लई जानना इह बेहद जरूरी है कि पंजाब ते कर्जा किन्ना है, और खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकां नू कह दिता है कि पंजाब नू एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग ना दिती जावे। ते नाल ही सलाह पंजाब नू भी RBI ने दिती है कि पंजाब हुण कर्जा ना लवे, क्योंकि पंजाब सिर भारी कर्जा है। और ये भी जानना तुहाडे लई बेहद जरूरी है, उस दे लई तुहानू ये रिपोर्ट देखनी बेहद लाजमी है कि पंजाब दे विच जम्मण वाले बच्चे सिर भी 1 लाख रुपए कर्ज आउण लग जांदा है। पिछले दिन एक रिपोर्ट आई सी, उस दे विच ये चीज़ मैनशन की गई सी। जी हाँ, इस दे लई जिम्मेवार कौन है? इस दे लई जिम्मेवार वो तमाम सियासी पार्टियां ने जिन्होंने पंजाब ते राज कीता है, ते मुफ्त वंड दीआं स्कीमां जो ने वो भी इस दे लई उन्नियां ही जिम्मेवार है, क्योंकि टैक्स आउंदा नहीं और रेवन्यू नहीं आ रहा सी, जिस करके होर कर्जे लै लै के स्कीमां पेश कीतियां गईयां, स्कीमां लोकां नूं दित्तियां गईयां वोटां लैण वास्ते। और तमाम सियासी पार्टियां इस दे लई जिम्मेवार ने जिन्हां ने वोटां दा लाहा लैण वास्ते पंजाब दे लोकां नूं हनेरे दे विच रख्या, ते मुफ्त दीआं जिहड़ियां रेवड़ियां वंडियां गईयां ने उन्हां ने पंजाब नूं किन्ने कर्जे दे थले दब दित्ता है। इस दे लई इह रिपोर्ट देखणी तुहाडे लई बेहद लाजमी है। इस दे नाल ही तुहानूं इह भी दस दिंदे आ कि पंजाब दे किहड़े सूबे ने जो भारी कर्जे थले डुबे हुए है, ते पंजाब कित्थे जे स्टैंड करदा है। तमिलनाडु सिर है 6,59,000 करोड़ रुपए कर्जा, यूपी सिर है 6,53,000 करोड़ रुपए कर्जा, महाराष्ट्र सिर है 6,08,000 करोड़ रुपए कर्जा, पछ्छमी बंगाल सिर है 5,62,000 करोड़ रुपए कर्जा, राजस्थान सिर है 4,77,000 करोड़ रुपए कर्जा, गुजरात सिर है 4,02,000 करोड़ रुपए कर्जा, आंध्र प्रदेश सिर है 3,98,000 करोड़ रुपए कर्जा, पंजाब सिर है 2,83,000 करोड़ रुपए कर्जा। RBI ने पंजाब नू कर्जा ना लैण दी दित्ती है सलाह। RBI ने कहा है पंजाब नू ना दित्ती जाए एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग। पंजाब सिर चढ़िया है करीब 3,75,000 करोड़ का कर्जा। देश के कई सूबे अजिहे ने जिन्हां च जमदे जवाक सिर लखां रुपए कर्जा हिस्से आउण लग जांदा है, पर ना तो परवाह सियासी पार्टियां ने की, ना ही परवाह किसी सरकार ने की। सियासी पार्टियां नू परवाह सिर्फ सरकार बनाउण तक हुंदी, यानी कि उहनां नू मतलब हुंदा है कि साडी सरकार बन जाए, बेशक जिन्ने मर्जी झूठ बोलने पाए, जिन्ने मर्जी लोकां नू फ्री दे गफ्फे वंडने पैण। पार्टियां ने मतलब सिर्फ सरकारां बनाउण तक ही रख्या। बेशक कार्यकाल दे अखीरले समें वड्डे वड्डे गफ्फे वंडे होण जां फिर लोकां नू लुभाउण लई खजाने दी खुल्लेआम दुरवरतों ही क्यों ना करनी पई होवे। किसी ने बीबियां नू लुभाउण लई बस दा सफ़र मुफ्त कर दिता, किसी ने कहा कि असीं राशन फ्री देंगे, कोई कहिंदा बिजली मुफ्त कर देंगे, तो कोई कहिंदा परवाह ना करो बस कैलीफोर्निया बना देंगे। तुहानूं गिणवाउण लग जाइए तो बहुत सारियां अजिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां सरकारां ने लोकां नूं रेवड़ियां वांग वंडियां, तो खजाने ते उसका वाधू भार पिया है। ये गल ना तो किसी सरकार ने सोची, ना ही किसी सियासी पार्टी ने, कि साढ़े इन्हां मुफ्त दे गफ्फिया मुफ्त दीआं स्कीमां दा पंजाब सिर किन्ना बोझ पएगा, क्योंकि पंजाब पहले ही कर्जे थले दबिया, पंजाब कर्जे थले दबदा ही जाएगा, क्योंकि लगातार इस कर्जे का ब्याज मोड़न की गल करिए नहीं चुकाया जा रहा पंजाब तो, उस दे लई करोड़ों रुपए खर्च होंदे है, हज़ारा करोड़ रुपए खर्च होंदे है, जिहड़ा ब्याज पंजाब रिटर्न कर रहा, जिहड़ा ब्याज पंजाब मोड़ रहा कर्जे का। पर इन्हां सियासी पार्टियां नूं कदे परवाह नहीं हुई, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिते है, पर आने वाले समय देखना होगा बनती गल की है। हुण मैं तुहानूं जानकारी देवां तां पंजाब सिर 2,83,000 करोड़ का कर्जा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के नवे जमे बच्चे दे सिर भी 1 लाख कर्जा आउण लग जांदा है। RBI ने कर्जे थले दबे राजस्थान समेत 10 सूबों अल्टीमेटम दिता है कि वह खर्चे घटाउण ते ध्यान देण। यह मसला बहुत गंभीर है, यह मसला बहुत बड़ा है। RBI ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले ते चिंता जाहिर करदिआं कहा है कि देश च फ्री रेवड़ियां वंडण वाले कल्चर नूं खत्म करना पएगा। देखना है कि सियासी जमातां इस मसले नूं लैके की मसले चुकदियां ने, सियासी जमातां इस मसले नूं लैके
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਐਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਧੰਨਵਾਦ